so in this chapter we will learn loops in python chapter 10 before starting with iterative or loop statements let us understand concept of loop and counter with the help of real life examples now understanding loops a loop is used to repeat a certain set of commands again and again till a condition is met loop ka use सेट ऑफ कमांड्स को रिपीट करने के लिए किया जाता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा सो टिपिकली ए लूप कंसिस्ट ऑफ ए प्रोसेस एंड ए कंडीशन तो लूप में एक प्रोसेस और कंडीशन होती है सो इन ए लूप फर्स्ट द प्रोसेस इज डन सच एज गेटिंग एन आइटम ऑफ डेटा एंड चेंजिंग इट एंड देन सम कंडीशन इज चेक्ड सच एज वेदर द काउंटर हैज रीच्ड ए प्रिस्क्राइबड नंबर इफ़ इट हैजेंट द लूप गेट्स रिपीटेड अदरवाइज द लूप टर्मिनेट्स तो कहने का मतलब है लूप में जो सर्टन सेट ऑफ कमांड्स हैं वो रिपीट होते हैं अगेन एंड अगेन जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप टर्मिनेट हो जाता है और कंट्रोल लूप से बाहर आ जाता है An infinite loop is one that lacks an exit condition. So, an infinite loop is a loop that just no exit condition. Hoti hai. So, the result is that the loop repeats continually until the operating system senses it and terminates the program with an error. Understanding counters A counter is a variable which is used to keep track of the number of repetitions in a loop. काउंटर का यूज लूप में नंबर ऑफ रिपीटेशन को ट्रैक करने के लिए किया जाता है नाउलेट ए सी इटरेटिव स्टेटमेंट इटरेशन इज द प्रोसेस वेयर ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स और अंटिल ए कंडीशन इज मैट सच स्टेटमेंट इज कॉल्ड इटरेटिव स्टेटमेंट सो इटरेशन दीन्स द लूपिंग स्टेटमेंट जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं या स्टेटमेंट्स हैं वो तब तक रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते हैं जब तक कंडीशन ट्रू रहती है जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाता है इसी को कहते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट सो दीज स्टेटमेंट आर ऑल्सो नोन एज द लूप्स और रिपीटिंग लूप्स टू एग्जीक्यूट एनी इटरेटिव स्टेटमेंट वी फाइंड थ्री वैल्यूज इन ए प्रोग्राम विच आर तो so, किसी भी इटरेटिव स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए तीन तरह की वैल्यू की जरूरत होती है प्रोग्राम में फर्स्ट इज द स्टार्ट वैल्यू दैट मीनस द इनिशियल वैल्यू फ्रॉम वेयर द लूप विल स्टार्ट और बिगिन देन कंडीशन कंडीशन स्टेटमेंट टू रीच द फाइनल स्टेट एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सो नाउ हियर वी विल सी द टाइप्स ऑफ इटरेटिव स्टेटमेंट सो देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ लूप्स और द इटरेटिव स्टेटमेंट इन पाइथन र्स्ट वन इज द फॉर लूप एंड सेकेंड वन इज द वाइल्ड लूप सो फर्स्ट यू विल सी अबाउट द फॉर लूप सो दिस इज यूज वेन यू हैव ए पीस ऑफ कोड विच यू वॉन्ट टू रिपीट एन नंबर ऑफ टाइम्स एंड देन नेक्स्ट इज द वाइल्ड लूप द लूप गेट्स रिपीटेड अंटिल द स्पेसिफिक बोलियन कंडीशन इज मैट तो फॉर लूप का यूज आप कब करेंगे जब आपको कोई कोड एग्जीक्यूट करना हो एन नंबर ऑफ टाइम्स ट मींस इस लूप में आपको पहले से पता होता है कि कितनी बार हमको लूप रिपीट करना है और वाइल लूप जब तक बोलियन कंडीशन है वो ट्रू होगी तब तक जे वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो वाइल लूप को कहते हैं हम एंट्री कंट्रोल लूप सो यूजिंग दीज लूप स्ट्रक्चर नेस्टेड लूप कैन बी फॉर्म्ड दे आर फोर ए लूप इन साइड अनदर लूप तो ये जो लूप्स हैं इन लूपिंग स्ट्रक्चर का यूज करके हम नेस्टेड लूप भी बना सकते हैं नेस्टेड लूप का मतलब है एक लूप के अंदर दूसरा लूप नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेंबरशिप ऑपरेटर्स सो बिफोर वी स्टार्ट विथ वर्किंग ऑफ लूप्स इट इज एसेंशियल टू नो अबाउट मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड रेंज फंक्शन एज वी विल बी यूजिंग दैम टू मेक प्रोग्राम्स तो लुपिंग स्टेटमेंट का यूज करने से पहले हम यहां पर देख लेते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स का और साथ ही रेंज फंक्शन का क्योंकि आगे चल के लुपिंग स्टेटमेंट में हम इनका यूज करेंगे सो पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर्स एवेल्यूएट्स इफ ए वैल्यू एग्जिस्ट इन ए गिवन सीक्वेंस और नॉट तो जो मेंबरशिप ऑपरेटर हैं पाइथन में वो इवेलुएट करते हैं कि जो वैल्यू है वो दिए गए सीक्वेंस में है या नहीं है

एंड नॉट इन ऑपरेटर तो नॉट इन ऑपरेटर जस्ट इन ऑपरेटर की ओपोजिट काम करता है इट इवालू इफ इट डज नॉट फाइंड ए वेरिएबल इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस एंड फॉल्स अदरवाइज तो नॉट इन ऑपरेटर तब ट्रू रिटर्न करता है जब यह वेरिएबल को सीक्वेंस में नहीं पाता है और जब ये सीक्वेंस में वेरिएबल को पाता है तो ये ट्रू रिटर्न करता है ना लेट सी द रेंज फंक्शन

दिए गए नंबर पर जो भी हम नंबर स्पेसिफाई करेंगे जो उसका एंड होगा जो उसका स्टॉप होगा उस नंबर पे आके ये स्टॉप हो जाता है तो सिंटेक्स कुछ इस तरह से है तो पहला पैरामीटर है यहां पर स्टार्ट जो कि ऑप्शनल है उसमें हम एक इंटीजर नंबर को स्पेसिफाई कर सकते हैं जहां से हमको ये फंक्शन स्टार्ट करना है या फिर रेंज को स्टार्ट करना है यदि आप ये वैल्यू नहीं देंगे तो डिफॉल्ट ये जीरो से स्टार्ट होगा इसलिए ये स्टार्ट पैरामीटर ऑप्शनल है सेकेंड पैरामीटर है स्टॉप दिस इज द रिक्वायर्ड पैरामीटर यानी स्टॉप वैल्यू आपको देनी ही है जिससे ये रेंज फंक्शन कहाँ तक चलेगा कौन से नंबर पे आके स्टॉप होगा या कौन से सीक्वेंस पे आके स्टॉप होगा ये आपको यहाँ पर डिफाइन करना ही है थर्ड पैरामीटर इज द स्टेप अगेन दिस पैरामीटर इज ऑप्शनल तो यहां पर भी हम स्टेप वैल्यू दे सकते हैं अगर नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट यहां पर एक से इंक्रीमेंट होगा नाउ वी विल सी द फॉर लूप सो फॉर लूप्स आर टिपिकली यूज वैन द नंबर ऑफ इटरेशन्स इज नॉन बिफोर एंटरिंग द लूप तो फॉर लूप का यूज हम तब करते हैं जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन्स पहले से ही पता हो लूप में एंटर करने के पहले तो हमको पता हो जाता है कि लूप में कितने टाइम हमको इटरेशन या रिपीट करना है सो हियर इज द सिंटेक्स फॉर द फॉर लूप नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे वाई लूप के बारे में सो so, वाई लूप हैज वन कंट्रोल कंडीशन एंड एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू द कंडीशन ऑफ द लूप इज टेस्टेड बिफोर द बॉडी ऑफ द लूप इज एक्जीक्यूटेड हैंस इट इज कॉल्ड एन एंट्री कंट्रोल्ड लूप जैसा मैंने आपको बताया था कि वाई लूप एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप है दैट मीन्स जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता है जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है ये लूप टर्मिनेट हो जाता है तो यहाँ पर लूप की बॉडी में एंटर करने से पहले यहाँ पर कंडीशन टेस्ट होती है दैट मीन्स जब कंट्रोल लूप की बॉडी में एंटर करने से पहले ही यहाँ पर कंडीशन को टेस्ट करता है यदि ये ट्रू होती है तो ही कंट्रोल लूप की बॉडी में जाएगा और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा अदरवाइज़ ये लूप की बॉडी में नहीं जाएगा और कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा तो सबसे पहले हम यहां पर इन ऑपरेटर का यूज देख लेते हैं जो कि एक मेंबरशिप ऑपरेटर है यहां पर हमने x equals to 5, यानी x यानी के लिए हमने वैल्यू दे दी है। प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है हमने यहां पर और प्रिंट स्टेट में हम इस इन ऑपरेटर का यूज करेंगे सो so, x इक्वल टू फाइव प्रिंट x इन रेंज दी थ्री सिक्स एट का ये सीक्वेंस है यहां पर तो फाइव यहां पर हम देख रहे हैं कि इस रेंज में नहीं है तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सेव कर लेते हैं हम सबसे पहले हमारी फ़ाइल को इन वन नाम से और इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे रन पे जाके, तो हम देख सकते हैं आउटपुट फॉल्स आउटपुट हमको मिल रहा है क्योंकि यहां पर जो फाइव है वो सीक्वेंस में नहीं है थ्री सिक्स एट यहाँ पर फाइव कहीं पर भी नहीं है जैसे ही हम इसको यहाँ पर फाइव करेंगे तो यहाँ पर इसको मिल जाएगा फाइव रन करने पर हमको आउटपुट मिलेगा ट्रू क्योंकि अब जो फाइव है वो इस सीक्वेंस में आ चुका है वेरिएबल की जो कि है x इक्वल टू फाइव तो यहाँ पर हम और भी नंबर्स या सीक्वेंस को ऐड कर सकते हैं बट अगर इस सीक्वेंस में फाइव है तब ये ट्रू रिटर्न करेगा और यदि इसमें फाइव नहीं है तब यह फॉल्स रिटर्न करेगा तो अभी हमने फिफ्टी कर दिया है फाइव को हटा दिया है तो आउटपुट हमको फॉल्स मिला है इसी में हम देखेंगे नॉट इन ऑपरेटर का यूज तो हमने यहां पर सिर्फ नॉट इन ऐड कर लिया है और सेम वैल्यू है यहां पर एक्स की फाइव तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक्स वेरिएबल है जो सीक्वेंस में फाइव कहीं पर भी नहीं है इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि नॉट इन सीक्वेंस और नॉट इन द रेंज जैसे ही हम यहां पर फाइव कर देते हैं तो यहां पर आ जाएगा फाइव इस सीक्वेंस में तो इसका मतलब यहां पर ये फॉल्स रिटर्न कर देगा नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखते हैं यहां पर रेंज फंक्शन का तो आई को हमने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया है या आई वेरिएबल को हमने जीरो असाइन कर दिया है और रेंज हम यहां पर ले रहे हैं आई इन रेंज जीरो टू ट्वेंटी जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमको यहां पर मिलेगा ट्रू बिकॉज आई जो है उसकी वैल्यू जीरो है जो कि रेंज में है जैसे ही हमने वन किया तो हमको यहां पर आउटपुट मिल गया फॉल्स क्योंकि अब वहां पर जो आई की वैल्यू है वो उस रेंज में नहीं है नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पर फॉर लूप और फॉर लूप के बारे में हम जान चुके हैं सो यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस इज नॉन बिफोर एंटरिंग द लूप तो हमने यहां पर फॉर लूप में एक वेरिएबल आई ले लिया है और इन रेंज फंक्शन का यूज़ कर लिया है जिसमें हमने वैल्यू वन से लेके इलेवन तक दी है और प्रिंट करा लिया है आई को तो आउटपुट मिलेगा हमको वन से लेके टेन तक का बिकॉज स्टार्ट वैल्यू उसकी वन है और एंड वैल्यू या स्टॉप वैल्यू इलेवन है तो इसका मतलब जो लूप एग्जीक्यूट हुआ है उसने टेन तक प्रिंट कर दिया है यहाँ पर अगर हम यहां पर इसको टेन कर देंगे तब ये आउटपुट नाइन तक प्रिंट करेगा तो जो भी हम नंबर स्टॉप वैल्यू देंगे उस स्टॉप वैल्यू यानी नंबर को छोड़ करके जितने भी जो नंबर होंगे उस रेंज में उसको ये प्रिंट कर देगा अब यहां पे नेक्स्ट प्रोग्राम को हम देखेंगे फॉर लूप का यूज करके ही टू फाइंड सम ऑफ नंबर्स इन द गिवन रेंज तो जो हम रेंज देंगे यहाँ पर उस रेंज का यानी उस रेंज में जो भी नंबर्स होंगे उनका सम ये निकाल कर देगा ये प्रोग्राम तो एक वेरिएबल ले लिया हमने यहाँ पर एस एम जिसे जीरो से इनिशलाइज कर दिया है मीन्स जो इनिशियल वैल्यू हमने इसको जीरो असाइन कर दी है फिर हमने लूप ले लिया है फॉर आई इन रेंज टेन टू ट्वेंटी दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द टेन टू अप टू ट्वेंटी दैट मीन्स बिफोर ट्वेंटी मीन्स अप टू नाइनटीन और उसके बाद हमने यहां पर लूप की बॉडी में लिख लिया है एस एम इक्वल टू एस एम प्लस आई तो दैट मीन्स एस एम में आई का प्लस होके के एस एम में स्टोर हो जाएगा और एस एम को हमने प्रिंट करा लिया है रन करते हैं हमारे यहाँ प्रोग्राम को और हमको मिलेगा यहां पर आउटपुट 145 फोर्टी फाइव दैट मीन्स सम ऑफ नंबर्स इन द गिवन रेंज एक और हम प्रोग्राम देख लेते हैं टू प्रिंट मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ फाइव तो यहां पर हमने नम फाइव और रेस यानी रिजल्ट में वन दिया हुआ है और लूप वही लिया है, हमने वन टू इलेवन रिसोल्यूशन सॉरी रिजल्ट में हम यहां पर स्टोर करेंगे नम इन टू आई इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट देखते हैं तो हमको फाइव का टेबल यहां आउटपुट में मिल जाएगा नेक्स्ट प्रोग्राम हम यहां पर देखेंगे टू प्रिंट नैचुरल नंबर्स फ्रॉम वन टू टेन तो वन टू टेन जो नेचुरल नंबर है उनको प्रिंट करेंगे लेकिन हम यहां पर यूज करेंगे अब वाइल लूप का वाइल्ड लूप में हम देखेंगे कि वाइल्ड लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप है तो यहाँ पर हमें स्टार्ट वैल्यू देट मीन्स एक वेरिएबल जिसको हमने वन से निचलाइज कर दिया है आई और कंडीशन दे दी है आई लेस देन और इक्वल टू टेन और प्रिंट करा दिया हमने आई और नीचे यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लिया है आई प्लस इक्वल टू वन तो जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा वन से लेकर टेन तक जो नंबर्स हैं वो प्रिंट हो गए इस लूप में हमने आई को वन दिया है और आई लेस देन और इक्वल टू टेन दिया है आई लेस देन और इक्वल टू टेन दैट मीन्स या तो लेस हो या फिर बराबर हो नेक्स्ट प्रोग्राम हम यहां पर देखेंगे टू प्रिंट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम टेन टू ट्वेंटी फिर से हमने यहाँ पर i इक्ल टू टेन ले लिया है यहाँ पर कंडीशन दे दी है हमने i लेस दन और इक्वल टू ट्वेंटी यानी i जो है तब तक चलेगा जब तक वो ट्वेंटी से लेस या बराबर होगा प्रिंट कर दिया है हमने i इन टू आई और यहाँ पर हम जो इंक्रीमेंट करा रहे हैं i प्लस इक्वल टू टू यानी टू का इंक्रीमेंट करा रहे हैं इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो हमें यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा अगला प्रोग्राम हम यहां पर देखेंगे फॉर लूप का यूज करके टू प्रिंट इवन नंबर्स विद इन द गिवन रेंज जो रेंज है नंबर्स की उनके बीच के सिर्फ इवन नंबर को ये प्रिंट करेगा तो यहां पर हम फॉर लूप के अंदर एक इफ कंडीशन का यूज करेंगे इफ आई यहां पर हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज किया है इफ आई परसेंट टू इक्वल्स टू देन प्रिंट आई रन करते हैं प्रोग्राम को तो हमें यहां पर इवन नंबर्स की लिस्ट मिल गई है बिटवीन टेन टू ट्वेंटी सॉरी वन टू इलेवन